पश्चिम नित्यानंद नगर में कांग्रेस कार्यालय का पोस्टर फाड़ने से कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कार्यालय नित्यानंद नगर बोध विहार के सामने शाही किसान खरात मार्ग पर स्थित है। मुंबई जिले के उपाध्यक्ष केतन शाह ने अज्ञातों के खिलाफ घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस उपनिरीक्षक संजय धानले घटना की जाँच कर रहे हैं। आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई और वार्ड में हर पार्टी का कार्यालय खुलना शुरू हो गया। नित्यानंद नगर में बड़ी संख्या में बहुजन लोग हैं और कार्यकर्ताओं के जनसंपर्क के लिए ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस का कार्यालय शुरू किया गया। शनिवार की रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कार्यालय के पोस्टर की तोड़फोड़ करने और उसे नुकसान करने के बाद क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है। घाटकोपर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जिला उपाध्यक्ष केतन शाह ने कहा, हम पोस्टर का नुकसान करने वालों की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन हम बातचीत के जरिए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करते रहेंगे। विवाद से नहीं, जिला उपाध्यक्ष केतन शाह, दयानंद जगताप, नाजिम शेख, रमेश चंदन शिवे, रुखसाना शेख, मरियम शेख, प्रमोद जाधव आदि मौजूद रहे। नित्यानंद नगर येथील काँग्रेस कार्यालयाच्या बॅनरचं नुकसान कोणीतरी अज्ञात इसमाने रात्रीच्या वेळेला 2 दिवसापूर्वी केली। त्याची तक्रार आम्ही चिराग नगर येथील पोलीस स्टेशनमध्ये केलेली आहे आणि आज इथे सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी जमून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आगरकर साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये तो जो नुकसान केलेला बॅनर आहे, खराब झालेला बॅनर आहे, तो काढून नवीन बॅनर परत इथे लावण्यात येणार आहे। त्याचबरोबर मी नित्यानंद नगरमधील सर्व रहिवाशांना असं आवाहन केलेलं आहे की जर त्यांना कुठल्याही प्रकारचा आमच्या काँग्रेस पक्षाविषयी किंवा काँग्रेस पक्षाच्या कुठल्या कार्यकर्त्याविषयी काहीही राग लोभ असेल तर त्यांनी समक्ष येऊन चर्चा करावी असं मी पुन्हा आवाहन लोकांना दिलेलं आहे। आज संध्याकाळी 5 ते 8 ह्या वेळेला मी कार्यालयामध्ये बसून लोकांच्या चर्चे करणार आहे आणि त्यांचा शंका समाधान करणार।